आज हुसैन नगर गौस नगर के अंदर उमर खान नाम का एक लड़का जो दुबई से 48 के दिन इधर लैंड हुआ है और अपने टीम जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जीएचएमसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से टीम्स विजिट करने के बाद ऑलरेडी वो होम क्वारंटाइन का स्टैंपिंग हुआ था, फिर भी बाहर जाने के लिए मना करने के बावजूद ये छोकरा जो है बाहर खुलेआम घूम रहा था। हमारा टीम जो वेरिफिकेशन ऑफिसर आ रही श्रीनिवास बंडलागुड़ा से है, उन्होंने कल एक्चुअली आके वार्निंग भी देके गए थे, फिर भी इसके बावजूद ये बाहर रात में शाम में और आज भी बाहर घूम रहा था। इसलिए हम लोग ये सेक्शन 188 के तहतियात और सेक्शन 269 के तहतियात अपने लोकल पुलिस के जरिए हम लोग केस बुक करा चुके हैं और लोकल जो डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर झांसी लक्ष्मी, इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज किया है और इसके मुताबिक केस रजिस्टर किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। और फिल वक्त हम लोग ये जो छोकरा है जो होम क्वारंटाइन किया गया है वो उस छोकरे को हम लोग 104 जो स्पेशल व्हीकल है स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल विथ ऑल प्रोटेक्टिव गेयर उसके अंदर हम लोग जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर सरोजनी देवी हॉस्पिटल के अंदर है उसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आप सब लोग से पूरे आवाम से ये गुजारिश है, हम लोग बहुत क्रिटिकल स्टेज के अंदर है, मेहरबानी करके जितने भी होम क्वारंटाइन्स है आप घर पर ही अपने आप को बंद रखिएगा, बाहर खुलेआम मत घूमिएगा। और एक गुजारिश है बाकी पब्लिक से, अगर आप लोग ऐसे लोगों को कहीं पर देखें तो इमीडिएटली पुलिस रेवेन्यू जीएचएमसी मेडिकल डिपार्टमेंट्स को आप लोग इतला कर सकते हैं और हम लोग इमीडिएटली उनके ऊपर ये सेक्शन 188 और 269 के तहतियात केसेस बुक करेंगे और वो लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे फैमिली को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में भेजा देंगे। थैंक यू है और रेवेन्यू पीपल्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स वाला और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से MRO मैडम और डिपार्टमेंट से डॉक्टर आके कंप्लेंट दिए और उसका टीम चेक करने का एंड टाइम है। एक उमर खान और सऊदी से आए, इन्हों बाहर फिर रहा घर में टायर रहा बोल के कंप्लेंट दिए। एक कंप्लेंट के ऊपर 188 IPC एंड 269 IPC में केस बुक करके इसको क्वारंटाइन को भेजा रहा हूँ फर्स्ट। बाद में इनका घर वालों को ऊपर एक्शन ले लो, ऐको बोलते इसको बाहर भी जाए। इन बाहर जाने के बाद में मैं आपको पुलिस को नई इंटीमेशन कर रहे हैं, अगर पुलिस वालों चेकिंग करने का निकट में हाई हाई बोल रहा घर में और पुलिस को नई मदद कर रहा, इससे पूरा को ऊपर केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करके जेल को भी जाता हूँ। और एक बात है, बाहर से कोई भी आते क्वारंटाइन पीरियड 15 डेज कोई भी बाहर नहीं आना, पुलिस को मदद करना, रेवेन्यू पीपल्स को मदद करना, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को मदद करना। मदद कर रहा, मेला के दी तो सौदा है का किराना है और पानी है, मेला के दी तो मेरा गाड़ी आके लाके दी के चले जाता। नंबर लिखो, पुलिस का नंबर लिखो, नंबर मालूम है। इनका मतलब क्या है जी, आप घर में रहो, दूसरों को कुछ भी नहीं होना बोले। अरे आपके घर के अंदर भी आप अलग से रहना, बाकी दूसरे लोग क्या बच्चे में जो ऑलरेडी जो नहीं, वो क्वारंटाइन में ना रहते और माइल्ड फीवर है इसको, इसीलिए टेस्टिंग के लिए फीवर हॉस्पिटल को हम लोग भेज रहे हैं। ये ऑलरेडी पहले से हुआ है मैडम इसको बच्चे को, ये हाँ। ये इस तरह के लोग जो है अगर महफिल में या बस्तियों में रहे घरों में रहे तो क्या प्रॉब्लम होता है मैडम इससे? घरों में रहे तो अब जो इस तरह के बच्चे जो है ये ऑलरेडी इस टाइम पड़े हुआ है इसको, अगर ऐसे बच्चे अगर बस्तियों में रहे या घरों में रहे तो क्या होता है इससे प्रॉब्लम? इसको भी प्रॉब्लम होता, इसको पहले टेस्ट करते वो पॉजिटिव निकले तो इसको पूरा फैमिली को टेस्ट करना पड़ता है। जी मैडम, बस्ती वालों को प्रॉब्लम होता मैडम? वालों को प्रॉब्लम रहता, वो किसको किसको मिली है तो उसको भी प्रॉब्लम, तो पूरा लोगों को भी टेस्ट करना पड़ता इफ पॉजिटिव है तो, नहीं तो ना।
अभी ज़्यादा फीवर वो सिम्टम्स नहीं है, वो कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, जस्ट वी सस्पेक्टेड दैट। ओके थैंक यू मैडम। Gracias.